हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाई अभिमन्यू आई ए एस सो टूडे वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर सेवेंथ ऑफ नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी आज हम देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज आपको पढ़नी है और कौन सी आप स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एल ए सी सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी तरह का शिफ्ट इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा दिस इज वट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैज सेड तो ये इश्यू पिछले छह महीने से इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है इसके आपको सारे डायनेमिक्स पता होने चाहिए बेसिकली यू शुड नो विच एरियाज आर अंडर डिस्प्यूट गोगड़ा एरिया द गलवान वैली एरिया हॉट स्प्रिंग्स एंड द पेंगोंगसो लेक ये वो एरियाज हैं जहां पर डिस्प्यूट चल रहा है पेंगोंगसो लेक में स्पेसिफिकली फिंगर नंबर फोर से लेकर फिंगर नंबर एट तक का डिस्प्यूट है ये फिंगर्स क्या है दिज फिंगर्स आर नथिंग बट द रिज लाइन्स वहां की माउंटेन रेंज में कुछ रिजज हैं जो कि लेक में एक्सटेंड होती हैं जस्ट लाइक द फिंगर्स ऑफ अर हैंड्स तो लेक के अंदर फिंगर्स की तरह जो रिज लाइन हैं वो एक्सटेंड होती हैं और इस इन फिंगर्स के इस तरफ इंडिया है और ईस्ट वाली साइड में चाइना तो चाइना जो है वो फिंगर नंबर फोर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है जिससे कि ये सारा एरिया चाइना में चला जाता है जबकि जो इंडिया है वो फिंगर नंबर एट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है सो दट डिस्प्यूट इज बिटवीन फिंगर नंबर फोर एंड फिंगर नंबर एट और इस एरिया को प्रेजेंटली चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है अर्लियर दिस यूज टू बी अ कॉमन पेट्रोलिंग एरिया फॉर बोथ इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेज बट नाउ दिस हैज बिकम डिस्प्यूटेड एंड चाइनीज फोर्सेज आर ऑक्यूपाइंग दिस पर्टिकुलर एरिया सो जनरल बिपिन रावत का ये कहना है कि ये जो मिलिटरी टेक्टिक्स हैं दे कैन स्पायरल इंटू अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर सो बेसिकली इंडिया चाइना रिलेशन्स में आपको ये डायनामिक एड करना है एंड यू शुड नो ऑल द डिस्प्यूटेड एरियाज एंड यू शुड नो ऑल द पासिस दैट आर देयर इन ईस्टर्न लद्दाख तो इसकी जोग्राफी इसकी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ऑल द थिंग्स यू शुड बी अवेयर ऑफ इसको एक जगह आपको नोट्स में कंपाइल करना है सेकेंडली पेंसिल्वेनिया लीड गेट्स बाइडन क्लोजर टू विक्ट्री जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया इंडिया यूएस रिलेशन के लिए जो यूएस प्रेजिडेंट इलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है बट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपने ये डेली जो इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं यू कैन स्किप मोस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स द ओनली थिंग यू शुड कंसर्न योर सेल्फ विद इज कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए आपको यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए सेकंडली आपको जब रिजल्ट आ जाएगा देन वी विल सी कि इंडिया जो यूएस रिलेशन है वो कैसे होने वाले हैं इनफैक्ट इन टूडेज हिंदू देर इज एन आर्टिकल ऑन इंडिया यूएस रिलेशन दैट यू कैन स्टडी दैट हाउ द डिसीजन और हाउ द रिजल्ट ऑफ यूएस प्रेजिडेंट इलेक्शन कैन इन्फ्लुएंस इंडिया यूएस रिलेशन तो वो हम देखेंगे Another news, फाइनेंस पैनल warns ऑफ राइजिंग जीएसटी ड्यूज फॉर स्टेट्स तो फाइनेंस पैनल का ये कहना है कि 2022 तक जो स्टेट्स के ड्यूज हैं जो सेंटर ने स्टेट्स को पैसे देने हैं दे कैन एक्चुअली ब्लोट अप टू सेवन लाख करोड़ रुपीस तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है बेसिकली योर इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट सिवियर पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू चोक कैपिटल पॉल्यूशन से रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ है जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है कि आने वाले एक से दो महीने पॉल्यूशन से रिलेटेड स्पेशली इन एंड अराउंड द नेशनल कैपिटल रीजन हम काफ़ी सारे न्यूज देखने वाले हैं और उसमें आज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई हैं दैट आर ऑन पेज नंबर टू दीज टू न्यूज आइटम्स फॉर्मर डेली चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ एयर क्वालिटी कमीशन एंड पैनल स्टार्ट वर्क टू चेक स्टबल बर्निंग सबसे पहले इस न्यूज को देखते हैं देखिए लास्ट मंथ ट्वेंटी एट अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू करके एक नई बॉडी क्रिएट की है उस इज़ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और सी ए क्यू एम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इससे पहले एक अलग बॉडी हुआ करती थी बट वो बहुत सालों से पोल्यूशन को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी क्रिएट की है कॉल्ड द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्पेसिफिकली फॉर द एन रीजन तो अब इस बॉडी की कॉम्पोजिशन इस बॉडी के चेयरपर्सन उसका मैंडेट क्या रहेगा यह सब कुछ हमें पता होना चाहिए जैसे कि मिस्टर एम एम कुट्टी जो हैं वो इस बॉडी के चेयरपर्सन अभी अभी, अभी अपॉइंट किए गए हैं फिर इसमें किन किन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इट विल हैव रेप्रजेंटेटिव फ्रॉम पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान डेली तो ये देन इट विल हैव रेप्रजेंटेटिव फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फ्रॉम नीति आयोग एज वेल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसका 360 सिक्सटी डिग्री कवरेज यू शुड डू एंड राइट इट इन योर नोट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेकेंडली स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो एक पैनल बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कोर्ट में ये कहा है दैट द पैनल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग तो इस न्यूज की जो थोड़ी सी बैकग्राउंड है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक वन मेंबर कमेटी अपॉइंट कर दी थी अंडर द सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर जस्टिस मदन बी लोकुर तो ये एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं इनकी निगरानी में एक वन मेंबर कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और अब सेंटर ने अपनी खुद की एक जो पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है सो ऑल दीज न्यूज़ आर रिलेटेड टू योर एयर पॉल्यूशन एंड इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव इसका गवर्नमेंटल इंटरवेंशन स्कीम्स वाला आस्पेक्ट और इसका जोग्राफिकल आस्पेक्ट ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए तो so ये दो न्यूज़ आपने अच्छे से पढ़नी है Then, these are regional pages. तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज है भी नहीं नाउ कम डायरेक्टली टू पेज नंबर सिक्स दैट इज द एडिटोरियल पेज नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन टूडेज न्यूज पेपर इज रिटन बाय मिस सुहासिनी हैदर सो यू कैन मार्क दिस पर्टिकुलर नेम सुहा हैदर बिकॉज इनका कोई भी आर्टिकल द हिंदू में आपने स्किप नहीं करना है शी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव वॉइसिस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन और ये जो भी आर्टिकल्स इनके द हिंदू में आते हैं दे आर वेरी वेरी कंसाइज एंड फिल्ड विद इंफॉर्मेशन सो यू कैन एक्चुअली कट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इस इस पर्टिकुलर आर्टिकल की कटिंग आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं इंडिया यू एस रिलेशन्स के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंटर्स आपको मिलेंगे वट टू डू थोड़ा सा हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव डिस्कस करना एंड हाउ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विल इफेक्ट इंडिया चाइना इंडिया यूएस रिलेशंस ये भी इसमें डिस्कस किया गया है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई वुड से सो यू कैन कीप अ कटिंग ऑफ इट एंड यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन इट यू कैन ऑल्सो एड इट टू योर नोट्स जहाँ भी आप आई के बना रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल देन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल हेयर एलिमनी गाइडलाइंस तो जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नई गाइडलाइंस इशू की हैं कि एलिमनी यानी कि डिवोर्स के टाइम पे जो रकम दी जाती है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं तो उस पर एक एडिटोरियल है जहां भी आपने वो न्यूज़ नोट की है वहाँ से इस एडिटोरियल से पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे हालांकि आर्टिकल थर्टी का इसमें आपको मेंशन मिलेगा तो पॉलिटी परसपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है इसमें जो ओपिनियन पॉइंट्स हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेन्स प्रेपरेशन यू कैन एड दीज पॉइंट एट द सेम प्लेस जहां पर आपने वो न्यूज लिखी है उसके बाद एडिटोरियल पेज पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है देन देर इज एन एनालिसिस यू मे रीड इट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड पेज पे विच इज पेज नंबर थर्टीन सो द वर्ल्ड पेज इज पेज नंबर थर्टीन यहां पर काफी सारी न्यूज आपको यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की मिलेंगी बट दिस इज द न्यूज यूके टू फेस ब्रेग्जिट ट्रेड डिस्ट्रप्शन अब ब्रेग्जिट मीन्स ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन तो ब्रेग्जिट जो था उसकी डेडलाइन काफी बार चेंज की जा चुकी है तो इस डिस्प्यूट का सारी की सारी बैकग्राउंड बेसिकली ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को क्यों छोड़ रहा है राइट right? अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं सो ब्रिटेन इज वन ऑफ द मोस्ट डेवेलप्ड इकोनॉमीज ऑफ यूरोपियन यूनियन तो इसको यूरोपियन यूनियन में रहने की वजह से नुकसान होना शुरू हो गया था डेमोग्राफिक इन्वेजन एक टर्म यूज की जाती है ब्रिटेन के लिए कि जब एक पूरी की पूरी ट्रेड और पॉलिटिकल यूनियन में कोई एक कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा रिच होती है तो बाकी कंट्रीज के लोग वहां पर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और इससे वहां के जो लोकल्स हैं उनकी अपर्चुनिटीज कम होनी शुरू हो जाती हैं और उस इकोनॉमी पर ज्यादा दबाव पड़ने लग जाता है दैट वॉज वन ऑफ द मेन रीजन वाई ब्रिटेन इज एग्जिटिंग यूरोपियन यूनियन आज से तीन साल पहले यहां पर एक रेफरेंडम कराया गया था लोगों से पूछने के लिए वेदर यू वॉन्ट टू एग्जिट यूरोपियन यूनियन और नॉट और लोगों ने वोट किया था दैट येस वी वॉन्ट टू लीव यूरोपियन यूनियन इसलिए ब्रेग्जिट जो है ये हो रहा है लेकिन ब्रेग्जिट होने से पहले एक डील साइन करने की कोशिश हो रही है जिससे कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में जो टाइज हैं जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो पूरी तरह से ब्रेक ना हो कोई ना कोई एक आफ्टर एग्जिट अरेंजमेंट जो है वो रीच करने की कोशिश की जा रही है बट डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज इन ब्रिटेन आर प्लेइंग अ टग ऑफ वॉर सिचुएशन तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है एक डील पर पहुंचना तो वो क्या क्या इश्यूज हैं और उन पर अलग अलग पार्टीज की क्या पोजिशन है क्या बिना डील के ब्रेग्जिट हो सकती है और अगर हो गई तो उससे क्या होगा बेसिकली बोथ ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन विल सफ़र दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फाइंड आंसर्स टू और ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन में और इंडिया ब्रिटेन रिलेशन में भी आप इसको एड कर सकते हैं बेसिकली वट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेग्जिट ऑन इंडिया एक डील के साथ हुए ब्रेग्जिट का इंडिया पर क्या असर होगा नो डील ब्रेग्जिट का क्या असर होगा सो ऑल द डायमिक्स ऑफ ब्रेग्जिट यू नीड टू डू तो इस तरह की जो भी न्यूज है आपने वो रनिंग में करनी है देन वी स्विच टू द सेकेंड न्यूज पेपर च इज द इंडियन एक्सप्रेस सो इंडियन एक्सप्रेस में देर आर अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ओके सो द फर्स्ट फ्रंट पेज अगेन यू विल सी सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज तो जब भी आप ये दोनों न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो आपने द हिंदू को मेन न्यूज पेपर मानकर चलना है और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको स्टडी कर रहे हैं बेसिकली काफ़ी सारी न्यूज इसमें आपको रिपीटेड मिल जाएंगी सो वी विल स्विच डायरेक्टली टू द एक्सप्लेन पेज विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस तीन पेजेज होते हैं इंडियन एक्सप्रेस में जो आपको हर दिन पढ़ने हैं द एक्सप्ले पेज एंड द एडिटोरियल एंड ओपन एडिटोरियल पेजेसो लेट इज स्विच डायरेक्टली टू द एक्सप्लेन पेज विच इज पेज नंबर इलेवन सो पेज नंबर इलेवन है पेज नंबर 11, 12, 13 बेसिकली ये तीनों पेजेस आज के पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगी आपको इंडिया चाइना एंड म्यांमार पोल सो इंडिया म्यांमार रिलेशन और म्यांमार बेसिकली इसमें काफी सारे जो म्यांमार के बारे में कब सब कुछ डिस्कस किया गया है तो रोहिंग्या क्राइसिस द क्योंकि वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं सो ऑंग की द मिलिट्री जनता देयर राइट ईच एंड एवरी थिंग अबाउट म्यांमार काफी हद तक इसमें कंपाइल किया गया है और इसे आप इंडिया म्यांमार रिलेशन में एंड इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आपने ये आर्टिकल पढ़ना है आई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेकेंडली एक्सप्लेन पेज पे ही दूसरा आर्टिकल है वाई अक्टूबर ब्रॉड नो साइक्लॉन्स दिस ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से तो ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में आपको इसमें से पॉइंटर्स नोट करने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक डायरेक्टली मेंस टाइप का क्वेश्चन है दैट व्हाई 2020 अक्टूबर डिड नॉट ब्रिंग एनी साइक्लोन्स टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया साइक्लोन्स क्या होते हैं उसका सारी जो स्टैटिक नॉलेज है जो कि क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं वो सारा कुछ अलॉन्ग विद दीज पर्टिकुलर पॉइंटर्स कि अक्टूबर में इस बार साइक्लोन्स क्यों नहीं आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पेज ये वाला एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है बीटिंग इट बैक सो जो सेकेंड वेव इंडिया में एक्सपीरियंस की जा रही है कुछ जगहों पर इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ डेली उसके बारे में ये आर्टिकल है इससे कुछ पॉइंटर्स आपने देखने हैं इसमें बेसिकली कुछ सजेशन दी गई हैं हाउ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इंप्रूव हाउ स्वाब कैन बी रैम्प अप कुछ सजेशन दिए गए हैं जिनको आप अपने नोट्स के साथ ऐड करेंगे कि अगर इंडिया में एक सेकंड वेव आती है या अगर इंडिया में सेकेंड वेव आ रही है तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए सो दिस इज एन आर्टिकल दैट यू नीड टू स्टडी ऑन द नेक्स्ट पेज द इंडो पैसिफिक जर्नी दिस इज अदर आर्टिकल दैट यू नीड टू स्टडी ये आर्टिकल देखिए आर्टिकल सिर्फ उसका कंटेंट देख कर ही स्टडी करें जरूरी नहीं है समटाइम्स द पर्सन हु इज राइटिंग द आर्टिकल इफ़ ही और शी इज़ अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन लाइक इफ द प्रेजिडेंट इज राइटिंग इट अ वाइस प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और अूनियन मिनिस्टर और एनी अदर वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इज राइटिंग एन आर्टिकल तो वो आर्टिकल आपको पढ़ लेना चाहिए जनरली जैसे कि इस आर्टिकल को लिखा है मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला ने सो मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला इज द फॉरन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया दैट मीन्स द हाइस्ट फॉरन ऑफिसर इन इंडिया जस्ट बिलो द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो इन्होंने यह आर्टिकल लिखा है फॉर द इंडो पैसेफिक कि फ्री इंडो पैसेफिक के लिए बेसिकली आजकल क्वाड जो है वो न्यूज में है द क्वाड इज इन द न्यूज द क्वाडी लेटर द ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज दैट इज इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापैन तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक फ्री इंडो पैसिफिक की क्या सिग्निफिकेंस है उसका एनालिसिस यहाँ पे लिखा है यू हैव टू डेफिनेटली रीड दिस आर्टिकल और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं यू शुड नोट डाउन इन योर आई आर नोट्स राइट सो दीज आर द न्यूज दैट यू नीड टू स्टडी टूडे एंड आई मस्ट ऑल्सो एम्फेसाइज कि आपने इन न्यूज को पढ़ के यू शुड कंपाइल इट अगर आपको लगता है कि मैंने ये न्यूज पढ़ ली है मुझे ये सब याद हो गया है यू आर इन अ डायलेमा ओके यू आर एक्चुअली टोटली कंफ्यूज्ड Because at the time of exam it is very difficult to compile the newspapers of one year or more than one year. So we strongly advise pointers, you should always compile it in one place so that you can revise at the time of exams. And with the more than 20 years of experience of Abhiman News, we are telling you some of the most common mistakes that students make. They keep on reading the newspapers for years and on end. बट एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता डू नॉट कमिट दैट मिस्टेक जो भी ये पूरे न्यूज़ पेपर से कुछ न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं डू रीड दोज न्यूज़ एंड कंपाइल दैम इफ यू सिंपली रीड दैम यू आर नॉट एडिंग एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू टू योर प्रेपरेशन राइट सो थैंक यू एंड हैव अइस डे